Hey guys, welcome back to my channel Life Stories by Archana. तो this is another vlog I'm shooting, जो कि है बानी को आज वैक्सीन लगनी है. तो मतलब डर तो लगता ही है बहुत ज़्यादा, बट ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी बहुत ज़रूरी है. ये रही हमारी, अभी नहाई है, अभी नहलाया मैंने इसको. पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का टाइम भी हो जाता है ये कि बच्चों को हैंडल करना. ऑब्वियसली बात है, बच्चों को अगर थोड़ा सा दर्द होगा तो पेरेंट्स को भी होता है. और ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है अभी से ही, आई डोंट नो यू. चलो चलो चलो. अच्छा, आपने स्लीपर्स देखा है सबको? ये देखो बानी के स्लीपर्स देखो भाई, नोने नोने से स्लीपर्स हैं बानू के, है ना? हाँ, नोने नोने से स्लीपर्स हैं. तो अभी चलते हैं नीचे, ठीक है? ये रहा बानी का कार्ड वैक्सीन वाला. तो इसमें इसको लगेगी एक ये वाली, ये और एक ये वाली, क्योंकि ये 1 to 1.5 ईयर्स में लगती है. ये लगेगी और ये लगेगी. तो लेट्स गो. बानी को तैयार कर दिया है मैंने, बस अभी इसका बैग पैक कर रही हूँ. इसके लिए थोड़ा बहुत सामान, नहीं बानी ऐसे नहीं करते. अच्छा, ये लो दूध पी लो, दूध. चलो 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 चलो. वैक्सीनेशन लग गई मानू को, दादी को बैठने दो. बानू को वैक्सीनेशन लगा है, सुची इन्नू ना सा बेटा. जस्ट अभी घर पहुंची हूँ, अभी तो इसको दर्द का फील नहीं हो रहा, खेल रही है. बानू ये देखो. अच्छा, सबको इंजेक्शन कहाँ लगा बानू को? आवाज आई ना, इंजेक्शन कहाँ लगा है बानू को? ये देखो देखो क्या कर रही है. बानू को इंजेक्शन कहाँ लग गया, दिखाओ. आओ इधर आओ, ये लो, आओ आओ जल्दी आओ. अच्छा, कहाँ इस पे हुई हुई है? देखो देखो सबको दिखाओ कहाँ हुई हुई है. इस वाली लेग पे हुई हुई है बानू के, इस वाली लेग पे. हाँ, आपको भी देखना है, दिखाते हो. नो नो नो, गुच्छा नहीं कर. अच्छा अच्छा, मम्मा को गुड मॉर्निंग किसी करी थी मम्मा? अच्छा नहीं, दर्द हो रहा ना अभी. अच्छा अच्छा, ये देखो ये देखो. अच्छा, फैन का है, फैन बता दो. काओ का है, काओ मेरी काओ. बाहर की तरफ इशारा कर रही है बाहर. ओ ओके ओके, काओ बाहर है, ठीक है ठीक है ठीक है. अच्छा, बानू ने हैप्पी बर्थडे कैसे बनाया था? हैप्पी बर्थडे कैसे बनाया था बानू ने, बताओ. अच्छा ऐसे, ओके. देखा आपने, मेरी बानू कितना कुछ सीख गई है, क्लैपिंग भी करती है. बानू को ये भी पता है कि कैसे उसने हैप्पी बर्थडे बनाया. ता ओ
बताएगी। देखना फोन आया है। क्या हुआ? फोन आया है? फोन आया था? कुछ 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 कुछ। जाओ लेके आओ, जाओ फोन ले आओ, दादी का फोन लेके आओ, जाओ। जाएगी नहीं, मेरे को ही बोलेगी। अच्छा फ्लाइंग किस कर दो, सबको हाय कर दो, हेलो, सबको हेलो बोल दो, बानी की तरफ से हेलो, मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। सब्सक्राइब कर दो प्लीज, अब तो बानी भी बोल रही है ना। चलो अभी मैं इसको थोड़ा सा रेस्ट करवाती हूँ, क्योंकि अभी भी इंजेक्शन लगा है। थोड़ा देखती हूँ कुछ खाएगी, खिलाऊंगी, फिर लंच की तैयारी करते हैं। अब बन रही है चाय, इवनिंग टी, और साथ में नमकीन वगैरह बनेगी। ऐसा लग रहा है मैं खुद ही नींद नहीं, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है मुझे। आज बानी की तबीयत थोड़ी सी मतलब ख़राब है, चिड़चिड़ी हो रखी है, काफ़ी ज़्यादा रोई जा रही है। उसको अभी थोड़ा बाहर घुमाने लेके गई थी मम्मा, मैं इसके पापा को लेने चली गई थी मेट्रो स्टेशन से। अभी आए हैं जस्ट, और उनकी फरमाइश आई है कि आज पोहे खाए जाएंगे डिनर में। तो मेरे को पहले लग रहा था कि मैं कुछ मतलब बहाना लगाऊंगी या कुछ कि ताकि वो बनाए मेरे लिए पोहे, बट वो नहीं चला। ठीक है, कभी और दिन ट्राई करेंगे, किसी और दिन ट्राई करेंगे कि वो कुछ बनाए स्पेशल चीज़ मेरे लिए। यार पत्नियों को भी तो कभी मिलना चाहिए ना आराम, लेकिन नहीं। चलो पोहे बनाते हैं, और इतना कुछ वो तो होता नहीं है झंझट, बट स्टिल ये मेरे लिए बनाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता और सुकून मिलता कि हाँ मेरे पति ने मेरे लिए पोहे बनाए हैं। चलो कोई बात नहीं, पोहे बनाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कैसे बने हैं पोहे। आज मैंने सोचा था आप मेरे लिए पोहे बनाओगे। क्यों सोचा था तुझे? मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, पति को मतलब पत्नी को आराम नहीं मिल सकता, वो देखो अपनी शक्ल ही देखा जा रहा है, इतना वो रख के क्या हमें अच्छा दिखनी चाहिए, अच्छा दिखनी चाहिए। यार ठीक है ना, जो है एक बार आप मेरे लिए पोहे बनाओगे कि नहीं बनाओगे? भी सब देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, मेरे वाले भी वो लोग देख रहे हैं। यार पोहे मेरे को नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब मिल गए, मिल गए। सो पोहा बनाने के लिए मैंने लिया है, पता नहीं कितना ग्राम पोहा है, लेकिन पोहा लिया है, फ्लैटेंड राइस जिसे कहते हैं, एक ग्रीन चिली एंड प्याज, और जो बोलते हैं महाराष्ट्र में कांदा, एक कांदा, और कुछ मूंगफली दाना, पीनट्स। और इसको हम पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे, बाहर निकालेंगे उसके बाद कढ़ाई के, फिर मैं भी इसको थोड़ा पानी से वॉश करके थोड़ी देर रख देती हूँ ताकि इसका जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। ठीक है, तो सब तैयारी करके फिर आपको दिखाती हूँ। कांदा कट गया है, कितना अलग सा लग रहा है बोलते टाइम, चलो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। प्याज, ये एक मीडियम साइज़ का प्याज था वो काट लिया मैंने, ये टमाटोज काटे हैं डीसीड करके, ये ऊपर से गार्निशिंग के काम आएंगे, एक ग्रीन चिली है, सम पीनट्स। ठीक है, और अब ये कढ़ाई चल चुकी है गैस पे, अब हम ये पीनट्स को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद इन्हें निकाल देंगे, उसके बाद का प्रोसीजर। इसमें मैंने 2 टीस्पून ऑयल डाला है, ठीक है,
अब इस ऑयल में हम डालेंगे राई, राई या सरसों जो भी आप लोग बोलते हो, थोड़ा दूर से डालना क्योंकि ये क्रैकल होती है। तो हम अब हम इसमें डालेंगे ये ग्रीन चिलीज और ये अनियंस, ठीक है। टमाटोज अभी नहीं डालेंगे, बनने के बाद हमें टमाटोज डालने हैं। चलो ये जब थोड़े से लाइट ब्राउन हो जाएंगे, पूरे अच्छे तरीके से भी नहीं पकाने हैं, थोड़ा सा क्रंचीनेस होनी चाहिए। थोड़े बहुत स्लाइटली लाइट ब्राउन हो जाएंगे या पिंकिश हो जाएंगे, उसके बाद हम जो भी स्पाइसेस होंगे अकॉर्डिंग टू योर स्वाद अनुसार हाँ, तो उसमें हम सब मसाले डालें। ये मसाले तो डाल दिए थे, स्पाइसेस सारे डाल दिए जो भी थे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून शुगर। अब इसको थोड़ा हम कुक होने देंगे। इसके बाद मैंने पोहे डाल दिए थे, जो भी मैंने सुखा के रखे थे ना, मतलब सुखा के क्या, धो के थोड़ा सा पानी स्ट्रेन होने के लिए रख दिए थे। तो 2-3 मिनट्स के लिए इसको हम इसको ढक के रखेंगे एंड ये हम ऑफ कर देंगे। ये है मेरे पोहे का फाइनल लुक, जिससे मैंने जो पीनट्स पहले रोस्ट करके रखे थे वो लास्ट में मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिए, उसको फिर मिलाया पोहे को, देन प्लेट में सर्व किया। उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने ये छोटे डीसीडेड टमाटोज यूज़ किए हैं और उसके ऊपर मैंने ये राजा भुजिया थी मेरे पास, तो मैंने वही वाली यूज़ करी है, ये वाली थी मेरे पास। आप आलू भुजिया यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये है हमारे पोहे की रेसिपी। ओह फोन तो ली नहीं यार। ये हमारा पोहा जा रहा है मेरे पति के लिए, ये लीजिए। इतनी खुशी और याद में बिल्कुल एकदम सहम गया है कि हाँ इसकी वीडियो बनाई जा रही है। एंड पहली बाइट कही है मुँह में, कैसा बना? मतलब ये है ना, कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते किसी भी चीज से। मतलब मैम मैंने जस्ट पूछा कि कैसे बने हैं, दोबारा बोलो। हाँ तिवारा भी बोल दो फिर। मेरे को भी टेस्ट कराओ, टेस्ट करके देखते हैं। मेरे मुंह में बस टमाटर आया एक। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बानी अभी रेस्ट कर रही है और आई होप उसको जल्दी आराम आ जाए, वैसे पहले से बेटर है, अभी वो दोबारा सो गई है। तो आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया हो तो, जो मिड में क्लिप्स आई थी उसको एंजॉय किया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ लाइफ स्टोरीज बाय अर्चना। टिल देन बाय बाय।